गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिवीजन के प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड टर्म्स को पढ़ा था और उसके प्रॉपर्टी को हमने देखा था। आज हम लोग डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज डिवीजन? तो डिवीजन इज नथिंग बट इट इज द कंटिन्यूअस सब्सट्रैक्शन। डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ इनवर्स मल्टीप्लीकेशन, यानी कि डिवीजन जो है सो मल्टीप्लीकेशन का अपोजिट प्रोसेस होता है। अब उसके कुछ रूल्स हैं, तो उसके रूल्स किस इस तरह से हैं कि इफ द डिविडेंड एंड डिविजर आर लाइक साइन, आर ऑफ लाइक साइन, अगर डिविडेंड और डिविजन के साइन सिंबल्स सेम हो, देन क्यूसेंट इज पॉजिटिव, तब क्यूसेंट जो है सो हमेशा पॉजिटिव रहता है। एग्जांपल के लिए नंबर्स ले रखा है हमने कि 15 डिवाइड 5 इज 3, 91 डिवाइड 13 इज 7, -56 डिवाइड -8 इज 7, उसके बाद -126 डिवाइड 18 इज -18 इज 7। तो यहाँ पे एक रूल ये हो गया कि अगर दोनों नंबर्स के साइन सिंबल सेम हो तो उनका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ठीक इसके अपोजिट अगर साइन अप डिफरेंट हो, यानी कि अनलाइक हो, तो व्हेन द डिविडेंड एंड डिविजर आर ऑफ अनलाइक साइन, जब अनलाइक साइन यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हो, तो रिजल्ट जो होगा हमेशा निगेटिव होगा, क्यूसेंट जो होगा वो हमेशा निगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल -21 डिवाइड 7 इज -3, 75 डिवाइड -15 इज -5, -133 डिवाइड 19 इज -7, एंड 85 डिवाइड -17 इज -5। तो ये हो गया सेकेंड रूल, यानी कि ये दो प्रॉपर्टीज हैं, ये दो रूल्स हैं जिसके इस कारण जो है डिवीजन का प्रोसेस अकर होता है, जो वेरी करता है एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर में। अगर साइन सेम हो तो पॉजिटिव रिजल्ट, अगर साइन अपोजिट हो तो निगेटिव रिजल्ट। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमको देखना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में सबसे पहले है कि इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए और बी दो इंटीजर हो, देन ए डिवाइड बी विल ऑलवेज नॉट बी एन इंटीजर। मतलब कि ए और बी को अगर डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक इंटीजर मिले, ये कोई जरूरी नहीं है, हमेशा इंटीजर गेन नहीं होता है। जैसे कि 2 डिवाइड 3, तो 2 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर वैल्यू नहीं प्राप्त होगा, तो 2 डिवाइड 3 इज नॉट एन इंटीजर। -5 डिवाइड 7 इज ऑल्सो नॉट एन इंटीजर। वेयर एज जबकि हम लोग 21 को -3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में -7 आता है जो कि इंटीजर है, तो 21 डिवाइड -3 गिव्स द रिजल्ट एन इंटीजर। -35 डिवाइड 7 इट्स इज ऑल्सो गिव द रिजल्ट दैट इज -5, तो ये भी एक इंटीजर है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा इसका रूल है कि इफ इंटीजर ए इज नन जीरो देन 0 डिवाइड ए इज इक्वल्स 0, यानी कि अगर किसी इंटीजर ए को 0 से डिवाइड करते हैं, यानी 0 से डिवाइड करेंगे ए, 0 डिवाइड ए दैट इज 0, लेकिन अगर उसी इंटीजर में 0 को डिवाइड करते हैं यानी ए डिवाइड 0 लिख लें, तो वहां पे जो है सो रिजल्ट हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सो 0 डिवाइड 5 इज इक्वल्स 0, 0 डिवाइड -5 इज ऑल्सो इक्वल्स 0, 4 डिवाइड 0 इज नॉट डिफाइंड, 0 डिवाइड 7 इज 0। अब इसका अगला एग्जांपल देखते हैं कि इफ ए इज एनी इंटीजर देन ए डिवाइड 1 इक्वल्स ए, यानी कि अगर ए कोई इंटीजर है उसको 1 से डिवाइड करें तो हमेशा जो है सो वही इंटीजर रहता है। तो 2 डिवाइड 1 इज 2, 5 डिवाइड 1 इज 5, -7 डिवाइड 1 इज -7, -62 डिवाइड 1 इज -62। इफ ए इज एन एनी इंटीजर एंड ए इज नॉट इक्वल 0, अगर ए कोई इंटीजर हो और ए का वैल्यू 0 के इक्विवेलेंट नहीं हो, देन ए डिवाइड ए इज इक्वल्स 1, यानी कि ए को ए से जब भाग देंगे तो हमेशा रिजल्ट 1 आएगा। या एंड ए डिवाइड माइनस ए और माइनस ए डिवाइड ए गिव्स द रिजल्ट -1। फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइड 5 इज 1, -3 डिवाइड -3 इज 1, -4 डिवाइड 4 इज -1, 7 डिवाइड -7 इज -1। हेंस आप लोग जो है सो इस टॉपिक को देखने के बाद आपका चैप्टर 1.4 क्लियर हो जाएगा। अब आप लोग इस चैप्टर इस टॉपिक को देखकर, इस वीडियो को देखकर अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगा उसे
भेज दीजिए, उसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, बता देंगे। थैंक यू।